हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राउंड ऑविन। आज के मैं इस वीडियो में 10 ऑफ कैंपस ड्राइव अपडेट लेके आया हूँ, जिसमें हर कोई एलिजिबल होने वाले हो 2019, 2020, 2021 एंड 2022 बैच स्टूडेंट। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। वन बाय वन सारे जॉब्स डिस्कस करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूँ वो IBM कंपनी की तरफ से आ रही है। IBM ने यहाँ पे रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाला है इंटर्न रोल के लिए। सो फर्स्ट आपको इंटर्नशिप मिलेगी, देन आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, देन आपका फुल टाइम हो जाएगा। सो यहाँ पे BE/BTECH के स्टूडेंट एलिजिबल है एनी ब्रांच, एंड जो आपका यहाँ पर रोल होने वाला है वो सिक्योरिटी एनालिस्ट की रोल होने वाली है। सो सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए यहाँ पे IBM की रिक्रूटमेंट ड्राइव आ रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनका भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं प्रेफर्ड टेक्निकल स्किल्स की बात करूँ तो नेटवर्क सिक्योरिटी कंसेप्चुअल नॉलेज, बेसिक सिक्योरिटी कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। सो गुड अपॉर्चुनिटी है, फुल टाइम आपका ये हो जाएगा आफ्टर इंटर्नशिप। एंड यहाँ पे एनी बैच स्टूडेंट एलिजिबल है BE/BTECH। आपने 2020 2021 बैच स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपका BE/BTECH कंप्लीट होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप वीडियो पॉज करके जो नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूँ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से आ रही है। यहाँ पे एक हैकाथॉन है, फिक्सेथॉन, ये 22 बैच स्टूडेंट के लिए है जो अभी फाइनल ईयर में है। सो यहाँ पे आपको इंटेंसिव प्रोवाइड कराई जाएगी 3 मंथ्स की, जिसकी स्टाइपेंड 25,000 मंथली होगा। सो अच्छी अपॉर्चुनिटी है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से। जो भी 2022 बैच स्टूडेंट है आपको जरूर इसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए, एक हैकाथॉन है। मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो 25,000 आपका स्टाइपेंड होने वाला है, मैंने पहले ही बताया। एंड कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, BE/BTECH, CSIT एंड अदर क्वांटिटेटिव ब्रांचेस। ईयर ऑफ डिग्री 2022 बैच होने चाहिए एंड आपके CGPA 8 से ज़्यादा होना चाहिए, अभी करेंट में 8 या 8 से ज़्यादा होना चाहिए। सो 3 मंथ्स का आपका इंटर्नशिप होने वाला है अप्रैल से जून तक। सो आपको अवेलेबल होना पड़ेगा 2022 में अप्रैल से जून तक। सो गाइस, अच्छी अपडेट है। एंड यहाँ पे अब मैं टाइमलाइन की बात करूँ तो आपके पास अभी 7 अक्टूबर तक आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, एंड उसके बाद आपके ये सारे राउंड्स होंगे हैकाथॉन के, देन आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। एंड यहाँ पे गाइस एक आपका स्क्रीनिंग जो है वो रिज्यूमे बेस्ड स्क्रीनिंग है। सो आपका रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए सबमिट करना जो, एंड उसमें आपका प्रोजेक्ट मेंशन होना चाहिए एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या इंटरेस्टेड रखते हो वो सब मेंशन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में सब कुछ रिज्यूमे में लिखना, बट आपका वहाँ पे प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड होना चाहिए, एंड आपका जो आपका कुछ कीवर्ड आप डालना, जैसे एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर या फिर हैकर अर्थ, हैकर रैंक पे आपका कोई प्रोफाइल है तो आप वो ऐड कर सकते हो। ओके, जो नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूँ वो रेड हैट कंपनी की तरफ से आ रही है। इन्होंने यहाँ पे रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाला एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए। सो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं रेड हैट सर्टिफिकेशन, तो आपको यहाँ पे जरूर अप्लाई करना चाहिए, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। जिनके पास रेड हैट सर्टिफिकेशन नहीं है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड आप यहाँ पे रिक्वायर्ड स्किल्स की बात करूँ तो आप यहाँ वीडियो पॉज करके देख सकते हो। पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, जावा XML, डेटाबेस कुछ भी आपको आता है, SDLC, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। सो रेड हैट बहुत ही अच्छी कंपनी है एंड यहाँ पे आपका जॉब रोल भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, पैकेज भी बहुत अच्छा होगी। नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूँ वो शेयर चैट कंपनी की तरफ से आ रही है। शेयर चैट ने यहाँ पे रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाला है मल्टीपल रोल्स के लिए। सो बहुत सारे रोल्स है, रोल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे रोल्स है। एंड किसी भी रोल्स की आपकी क्वालिफिकेशन क्या है या फिर रिक्वायर्ड स्किल्स क्या है, क्या आपके रोल होने वाले हैं वो आप देख सकते हो। सो एंड्रॉयड डेवलपर की मैंने यहाँ पे खोला है, आप भी किसी भी रोल का यहाँ पे खोल के देख सकते हो क्या आपके होने वाली। सो ये एक गूगल फॉर्म है, आपको ये फिल कर देना है, जो भी रोल आपको पसंद जिसमें आपके रिक्वायर्ड स्किल्स है वो आप यहाँ पे टिक आउट कर सकते हो। आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बैकएंड के लिए जाना है, एंड्रॉइड डेवलपर के लिए जाना है, डेटा साइंटिस्ट के लिए जाना है, किसी भी रोल के लिए जाना है। एंड गाइज यहाँ पे अगर आप कहीं आप भी काम कर रहे हो तो आप अपनी नोटिस पीरियड भी डाल सकते हो। सो यहाँ पे कोई भी फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूँ वो फेनम कंपनी की तरफ से आ रही है। फेनम ने यहाँ पे रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाला है 2019, 2020 एंड 2021 बैच स्टूडेंट के लिए, BTECH, MTECH एंड MCA स्टूडेंट। सो गाइज ग्रेट अपॉर्चुनिटी आ रही है यहाँ पे तीनों बैच के लिए 2019, 2020, 2021। एंड यहाँ पे जो वर्क लोकेशन की मैं बात करूँ वो हैदराबाद एंड बिजैक लोकेशन के लिए। 4 मंथ का इंटर्नशिप है, फॉल टाइम ऑफर। सो फर्स्टली आपको 4 मंथ का इंटर्नशिप पीरियड होगा, देन अगर आप उसमें परफॉर्मेंस अच्छा करते हो तो आपको फुल टाइम कराई जाएगी। यहाँ पे रिक्वायर्ड स्किल्स की बात करूँ तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट उन्होंने मांगा है, एंड उसके अलावा भी बहुत सारे उन्होंने मांगा है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे आप बेनिफिट्स भी देख सकते हो, आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, और जरूर यहाँ अप्लाई करना क्योंकि यहाँ पे होने के चांसेस ठीक ठाक है। नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूँ वो JK टेक्नोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से आ रही है। यहाँ पे इन्होंने रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाला है BTECH एंड MCA स्टूडेंट के लिए 2021 बैच।
सो 65% थ्रू ऑफ द एकेडमी आपकी स्कोर होनी चाहिए। वन ईयर का गैप अलाउ है। नोएडा बैंगलोर इसकी लोकेशन है एंड आप यहाँ देख सकते हो 6 मंथ आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग होने वाला है जिसमें आपका 10,000 स्टाइपेंड होगा एंड पोस्ट आपका 3.5 लाख पर एनम आपको सैलरी मिलेगी। सो गुड अपडेट है, आप यहाँ भी जरूर अप्लाई करें। यहाँ पे आप रिक्वायर्ड स्किल्स वगैरह देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूँ वो रेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी की तरफ से आ रही है। यहाँ पे इन्होंने रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाला है 2020 एंड 2021 बैच स्टूडेंट के लिए। बीटेक एंड MCA स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट एंड की नॉलेज होनी चाहिए, .NET की नॉलेज होनी चाहिए एंड गाइज इसकी लास्ट डेट आज ही है 3rd of October एंड मोस्टली आप लोग के पास 2 या 3 आवर्स होगा। सो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर दे। अगर आपने चैनल की नोटिफिकेशन ऑन की होगी तो आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग चैनल की नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए होंगे मे बी उनका मिस हो सकता है क्योंकि आप लोग वेट करते होंगे होम पेज पे कब आया राउंड रॉबिन चैनल की वीडियो, या फिर किसी दिन एक दिन जिस दिन मन करा कि आज कुछ कंपनी में अप्लाई करते हैं तो फिर आप लोग सर्च करते हो राउंड रॉबिन चैनल, फिर आप वहाँ जाके अप्लाई करते हो तो आपका ये जरूर मिस हो जाएगा। तो इसलिए गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें डेली बेसिस पे जॉब्स अपडेट के लिए एंड नोटिफिकेशन ऑन कर ले क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपडेट आते हैं जिसकी एक दिन ही अप्लाई लिंक एक्टिव रहती है 1 से 2 दिन, तो आपका वो मिस हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूँ वो ऑप्टम कंपनी की तरफ से आ रही है। ऑप्टम ने यहाँ पे हैकाथॉन निकाला है। हैकाथॉन के थ्रू यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे एंड बहुत सारा कैश प्राइज यहाँ पे है। सो बिग अपडेट है ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए एंड MBA स्टूडेंट के लिए भी है। सो इंजीनियरिंग प्लस MBA स्टूडेंट के लिए एनी ब्रांच स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। एक हैकाथॉन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे राउंड है। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑनलाइन क्यूज राउंड होगा, फिर कोडिंग राउंड होगा एंड देन आपका ऑनलाइन सिमुलेशन चैलेंज है। सो बहुत सारे राउंड है। फिर आपको यहाँ पे प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू की लाइक मौका मिलता है, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू मिल सकता है इस हैकाथॉन के थ्रू एंड बहुत सारे कैश प्राइज है, रिवार्ड है। सो आप यहाँ पे इससे जरूर अप्लाई करें एनी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूँ वो ब्रैम्बलेस कंपनी की तरफ से आ रही है। ब्रैम्बलेस ने यहाँ पे एसोसिएट क्लाउड डेवलपर के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाला है 27th of September को ये पोस्ट की गई थी। इसकी कोई लास्ट डेट मेंशन नहीं है तो आप लोग एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करें। एंड यहाँ पे मैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात करूँ तो AWS सर्टिफाइड स्टूडेंट को प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। अगर आपके पास AWS सर्टिफिकेशन नहीं है तो फिर भी आप यहाँ अप्लाई करो, जिनको भी क्लाउड डेवलपर की नॉलेज हो या फिर इंटरेस्ट हो क्लाउड डेवलपर में। एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 1 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। एंड गाइज अच्छी अपडेट है क्लाउड डेवलपर के लिए, आपको यहाँ अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूँ वो कॉर्नर स्टोन कंपनी की तरफ से आ रही है। यहाँ पे इन्होंने रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाला है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए। जावा डेवलपर में मुंबई इसकी लोकेशन है बट करेंटली आपको वर्क फ्रॉम होम मिलेगी मोस्ट प्रॉब्ली। एंड यहाँ भी बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या फिर उसके रिलेटेड इंजीनियरिंग फील्ड स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स एलिजिबल है, 1 ईयर या उससे ज़्यादा का आपके पास एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जावा से रिलेटेड आपकी स्किल्स होनी चाहिए, RDBMS आपको आना चाहिए। सो आई होप आप लोग को सारी अपडेट अच्छी लगी हो। कहीं भी किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग हायरिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। फॉर्म भरने में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड IBM की बहुत ही अच्छी अपडेट है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट रोल के लिए। सो आप इसके लिए भी जरूर अप्लाई करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।